नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक भास्कर उत्तराखंड यूपी। मैं हूं आपके साथ आकांक्षा थापा। बात करते हैं विकास नगर की। कुलदीप चौहान का कहना है कि ब्लॉक काल से भ्रष्टाचार एवं अराजकता का माहौल बना हुआ है, जहां पर आम आदमी को योजनाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा है। उन्होंने मामले को कई बार उठाया, उसके बावजूद उन पर उल्टा मुकदमा दर्ज कराया गया है। विकास नगर से महेश रावत की रिपोर्ट। धन्यवाद। बात तो ये है कि जब हम लोगों को उप जिलाधिकारी कालसी के माध्यम से जो इनका लेटर है, इन्होंने बीडीओ को कहा था कि इनको वार्ता के लिए बुलाना है 29/1/2021 को। जब हम लोग वहाँ वार्ता के लिए गए तो हम लोग उनकी प्रतीक्षा बाहर बैठे हुए थे और कुछ अज्ञात लोग जो वहाँ पर आए, जिनको हम जानते नहीं है और जो जनप्रतिनिधि भी नहीं है, उन्होंने हमारे साथ धक्का मुक्की, गाली गलौज और मेरे साथ जो है मारपीट करी। मामला क्या था? मामला ये है कि जो भ्रष्टाचार के जो कालसी में आए दिन हो रहा है, उसके खिलाफ हम लोगों ने जो है पंचायतों ने एफिडेविट दिए थे ब्लॉकों को, कहीं बार कहने पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। जब अंत में एसडीएम साहब ने और सीडीओ साहब के आदेश के अनुसार इन लोगों ने को आज बुलाया, तो वहाँ पहले से ही कुछ लोग मौजूद थे जो माहौल को बिगाड़ने की चेष्टा कर रहे थे और उन्होंने मेरे साथ बदतमीजी करी, मेरे साथ हाथापाई करी, मेरे साथ मारपीट करी। और यदि ये लोग चाहते हैं कि भाई कि हम मुझे ये मारी दे यार, तो मार दो, हम लोग तो जन आंदोलन जन उसके लिए लड़ रहे हैं, कोई मेरे अपने घर के तो है नहीं। 7 लाख का घोटाला इन लोगों का मेरे पंचायत क्षेत्र पंचायत में, उसके खिलाफ भी लोग कभी जागे नहीं। और कुछ लोग जो नेताओं के दल है, जो ये लोग जो है ठेकेदारी कर रहे हैं मनरेगा में भी, बड़े शर्म की बात है कि मनरेगा में भी ठेकेदारी हिस्सा ले रहे हैं आप लोग ये, और नेताओं के दल जो वहाँ बैठ करके ये काम करते हैं, जो जनप्रतिनिधि नहीं है और ब्लॉकों में आकर के गुंडागिर्दी करते हैं ये लोग। आज मैंने इसके लिए थाना अध्यक्ष को एक दरखास्त दी है कि इनके ऊपर मुकदमा करें। मैं जनप्रतिनिधि हूँ, यदि मेरे साथ ऐसा हो रहा है तो मैं समझता हूँ कि सब ऐसा करते होंगे, और हम लोग तो जो है जनता की आवाज उठा रहे हैं। आप क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि ट्रांसपेरेंट चीज़ हो, पारदर्शिता के साथ चीज़ हो, और जो मेरे साथ इन्होंने बदतमीजी करी, जो मेरे साथ हाथापाई करी, मेरे पीछे से पीठ में मारा जिन्होंने, वो उसकी वीडियो बनी है जो हमने पुलिस को दे दी है। हम चाहते हैं कि इनके ऊपर मुकदमा हो, इनके ऊपर जो कठोर कार्रवाई की हो। कुलदीप जी, कौन सी क्षेत्र पंचायत है आपकी? मेरी भाई साहब क्षेत्र में कष्टा है, जहाँ पर 7-8 लाख रुपए करीबन गमन हुआ है, उसको हमने दरख्वास्त दिया है पंचायतों ने, 5 पंचायतें पड़ती उसमें, 5 पंचायतों ने दरख्वास्त दी है एफिडेविट बना करके कि इस पर जो है कार्रवाई करे, परंतु आज तक 4 महीना हो गया कोई कार्रवाई नहीं की। और जब हम लोगों को डीएम साहब के एसडीएम साहब के माध्यम से आज जो तारीख एसडीएम साहब की लेटर है, इसके माध्यम से हम बुलाया था, तो हम लोग बैठे हुए थे, इतने में कोई लोग आकर के मेरे साथ बदतमीजी करी, गलत क्लोज की और मेरे पीछे पीठ के पीछे पीछे से मेरे किसने मारा है। किस तरह की योजना थी जो आप कह रहे हैं 7 लाख? ये क्षेत्र पंचायत निधि, क्षेत्र निधि से गत वर्ष की कार्य योजना थी, जिसमें जो है प्रमुख की निधि से ही काम हुआ था। जिस तरीके से आप बार बार जो है क्षेत्र के जो मुद्दे हैं उसको उठाते हैं, लेकिन लगातार जो आपको नज़रअंदाज किया जा रहा है, तो आप इस मामले को जो है आगे क्यों नहीं ले जा रहे? अब हमने निर्णय कर लिया है कि यहाँ पर तो गुंडागिर्दी होनी है, और मैंने तो पुलिस प्रशासन को कह दिया कि या तो मुझे संरक्षण दो, नहीं तो ये लोग मुझे आए दिन मार देंगे कहीं भी। जब खुले दिन में 12 बजे ही मेरे ऊपर हाथापाई कर रहे हैं और खुले आसमान में जो है सब लोग दुनिया देख रही है, उस समय उसके वीडियो आप देखोगे, तो मैं तो इस समय तो भाई मुझे मार दो यार। यदि हम लोग सच के लड़ रहे हैं, यदि आप नहीं मेरी सुन रहे हैं या कोई मेरे सुन नहीं रहा है, तो भाई मैं इस्तीफा दे दूंगा या फिर मुझे मार ही दो। यदि इतनी गुंडागर्दी दिन दहाड़े चल रही है, तो अब हम लोग जो मैं इसको बर्दाश्त नहीं करूंगा, मैं धरने बैठ जाऊंगा। यदि इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई, इसमें कोई मुकदमा दर्ज नहीं हुआ, तो मैं धरने बैठ जाऊंगा। इस तरीके से जनप्रतिनिधियों के ऊपर हमले हो रहे हैं यहाँ पे विकासखंड कालसी के अंदर, सर क्या है पूरा मामला और किस तरह की एप्लीकेशन आपके पास आई है? ये आज एसडीएम कालसी महोदय के निर्देशन में क्षेत्र पंचायत सदस्य कुलदीप चौहान, जो चिटाड़ के रहने वाले हैं, उनको ब्लॉक में बुलाया गया था, किंतु वहाँ पर सोशल ऑडिट चलने के कारण ब्लॉक के अधिकारी नहीं मिल पाए। इसी दरमियान कुलदीप चौहान जी का जो आरोप है कि उनके साथ वहाँ पर धक्का मुक्की हुई है, एक प्रार्थना पत्र उनके द्वारा दिया गया है, जिस पर जांच कर और संबंधित ब्लॉक से सीसीटीवी फुटेज प्राप्त करने के उपरांत कानूनी कार्रवाई की जाएगी।